जानकी बा महाकाल के दर्शन करने के लिए राजस्थान से उक्त महिला दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हुए थे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और वहां पर महाकाल मंदिर के पास प्रमुख चौराहे पर से नमकीन खरीद रहे थे, तभी अचानक से उनके साथ चोरी की घटना हो गई। घर ले जाने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ उसी दौरान महिला का कीमती मोबाइल करीब 18,000 कीमत का नाबालिग चोर ने चोरी कर लिया और मोबाइल चोरी करके वह रफू चक्कर हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और महिला और परिवार के सदस्यों ने महाकाल थाने पर पहुंचकर लिखित में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और चोर को पकड़ने के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिए हैं। बताइए आप कहाँ रहती हैं और दर्शनार्थी हैं, महाकाल के दर्शन करने आए हैं और महाकाल चौराहे के पास नमकीन की शॉप पर मेरा मोबाइल गुम हो गया और वो मोबाइल एक सीसीटीवी फुटेज में आया है कि किसने निकाला है। 14-15 साल का लड़का था, दो लड़के आए थे नीचे बाइक पे, जो गिरोह है हमने थाने में रिपोर्ट डाल दी। जब सीसीटीवी फुटेज में वो पता है कि भाई उस लड़के ने चोरी की है तो भी अभी तक पकड़ में हमारा सारा रिकॉर्ड पैसा ऑफिशियल रिकॉर्ड सारा उस मोबाइल में था, उसमें दो सिम थी। आपने महाकाल थाने पर जाकर शिकायत की थी, बताएं। थाने पे शिकायत की है। फिर क्या किया पुलिस कर्मियों ने, क्या किया? FIR दर्ज की, मेरे साथ चले थे और वीडियो बना के लाए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कल सुबह 8:50 पे मेरा मोबाइल चोरी हुआ था और आपने सीसीटीवी फुटेज में अपराधी पता नहीं हो तो ढूंढने में मुश्किल होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, दुकान दिख रहा है और फिर भी अभी तक वो पकड़ में नहीं आया। कितनी कीमत का मोबाइल था आपका? मेरा मोबाइल वीवो का 17,000 का था, इम्पोर्टेंट है। ये कितने आरोपियों से गिरफ्तार हुए, कितना अभी तक केस बरपा? 27 तारीख को थाना पुराना या पुरानी छावनी में एक आरोपी पकड़ा गया था जो कि बदनापुरा का था। उसके पास से 4700 रुपए के नोट बरामद हुए थे। इसके उपरांत इससे पूछताछ करने पर लगभग 10 दिनों की मेहनत के उपरांत अभी इसमें 3 आरोपी और अरेस्ट हुए हैं और कुल मिला के 2,33,000 रुपये के नोट बरामद हुए हैं। और इसमें जो मुख्य आरोपी अभी जो समझ में आ रहा है प्रारंभिक पूछताछ में, वो एक सीवान का रहने वाला है और वो अपनी एक चेन बना के ये नकली नोट सप्लाई करता था। ये जो हमारा आरोपी पकड़ा गया था उसके हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। अब जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका पुनः पुलिस रिमांड लिया जाके और प्रयास किया जाएगा कि जो मुख्य आरोपी जिसका नाम आ रहा है उसको हम जल्द से जल्द पकड़ें। कुल मिला के ये एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन था जिसमें प्रारंभिक तौर पे एक लोकल जो लड़का था उसके पास से नोट मिले थे और उसको पकड़ के आगे इन्वेस्टिगेशन होता रहा और कुल मिला के इसमें एक बड़े रैकेट का होने की आशंका है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा हम इसमें और सफलता इसमें हम अर्जित करें। क्या बाहर के देश भी और भी कई देश शामिल है जैसे नेपाल या बांग्लादेश? ये अभी चूंकि अभी तक हमने जिनको पकड़ा है ये नोट लेके और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर रहे थे। अब जब मुख्य आरोपी पकड़ाई में आएगा तब ये पता चलेगा कि और कनेक्शन कहाँ पर है। इसमें अभी एक पुष्टिकृत तो नहीं है परंतु ये जानकारी भी मिल रही है कि गोरखपुर में भी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जो मुख्य आरोपी हमारे पुरानी छावनी के केस में है वही गोरखपुर के केस में भी है और वहाँ जिस आरोपी को अरेस्ट किया गया उसके एक साथी को अभी हमने इसी केस में पकड़ रखा है। तो ये अभी वहाँ से हमको FIR की कॉपी और बाकी इन्फॉर्मेशन आनी है परंतु ये जानकारी अभी हमको सूत्रों से मिली है। अभी तक चार आरोपी अरेस्ट हो गए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।